Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स. आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2, बट मेक श्योर आपने पहला लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिया. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू अल्काइन एंड एराइल हैलाइड्स, जहां पे हमने सीखा था इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका क्या मीनिंग है, और साथ ही में हमने इन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को सीखा. आज हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर इन कंपाउंड्स का, दैट मीन्स इनकी नेमिंग कैसे की जाती है. तो जब हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे तो इनके दो तरह से नेम हो सकता है. एक हो सकता है कॉमन नेम, जैसे कि हमारा अल्काइल हैलाइड्स है, और एक उसका IUPAC नेम हेलो एल्केन. ऐसे ही एराइल हैलाइड्स उसका कॉमन नेम होगा और हेलो एरीन IUPAC नेम. वेल, IUPAC नेम्स आर वन थिंग जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत डिटेल में किया है, सो आई होप कि वो आप सबको आता होगा, बिकॉज इतना भी मैं आपके साथ बार बार चीजों को रिवाइज नहीं कर पाऊंगी, अदरवाइज हमारा ये सिलेबस का पार्ट फिनिश नहीं हो पाएगा, राइट. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली जो स्टडी करेंगे वो है इनके कॉमन नेम्स. कॉमन नेम्स इसलिए क्योंकि कॉमन नेम्स भी इनके उतने ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं जैसे कि IUPAC नेम्स. तो वो नेम्स जनरली बच्चे वहां पे गलती करते हैं, एंड दैट इज वाई मुझे ये था कि मैं आपको एटलीस्ट इनके कॉमन नेम्स जरूर अच्छे से करा दूं कि आप वहां पे गलती नहीं करो. ऑलराइट, तो हम सबसे पहले सीखते हैं अल्काइल हैलाइड्स इनके कॉमन नेम्स कैसे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के नेम्स. तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसका मतलब कि हमारे मॉलिक्यूल में एक हैलोजन का एटम होगा, और जहाँ पे हमने इनके कॉमन नेम्स लिखने हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्काइल ग्रुप का नाम, और फिर उसके बाद हम उसके हैलोजन जो कि एडेड है उसका नाम लिख देंगे, राइट. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3Cl, तो CH3Cl में जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, CH3. तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिथाइल. मिथाइल के पीछे हमारा क्लोरीन का एटम लगा है, तो हम इसको लिखते हैं क्लोराइड. नेम क्या बन जाएगा, कॉमन मिथाइल क्लोराइड. इसका IUPAC नेम इज गोइंग टू कॉरेस्पॉन्ड टू हेलो एल्केन. तो ये क्लोरो और मिथेन, राइट. तो ये हमारे पास इसका IUPAC नेम आ गया. CH3CH2Br, IUPAC नेम इज गोइंग टू बी ब्रोमो इथेन, एंड कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड. नेक्स्ट हमारे पास है CH3CH2CH2I, तो ये बन जाएगा 1-hydropropane, और इसका कॉमन नेम है n-propyl iodide. नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, तो इसका IUPAC नेम 1-chloro-2-methylpropane, एंड कॉमन नेम इज isobutyl chloride. वेल, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है इनके कॉमन नेम्स की. तो आई होप कि आप लोगों को ये N, ISO इन सब के मीनिंग्स पता है. वेल, जिनको नहीं पता है वो भी प्लीज रिलैक्स करो, कोई टेंशन की बात नहीं, हम इनको इस लेक्चर में समझने वाले हैं. बिकॉज मेरे को ये जनरल फीडबैक ये है कि बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि ये N, ISO, NEO, SEC, TERP जो हम टर्म्स यूज करते हैं कॉमन नेम्स में, उनके मीनिंग्स बच्चों को नहीं मालूम होते, वो कैसे यूज होते हैं, वहां पे वो अक्सर गलती करते हैं. सो ये लेक्चर बेसिकली मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने में यूज करने वाली हूँ, सो दैट आप बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करो, राइट. तो सबसे पहले जब हम एक अल्काइल हैलाइड का नाम लिखेंगे तो नेम लिखते हैं अल्काइल ग्रुप का और हैलाइड का, और इन दोनों नेम्स को हम सेपरेटली लिखेंगे कॉमन नेम में, राइट. जैसे कि ये प्रोपाइल आयोडाइड है, हमने इनको सेपरेट किया हुआ है, ये जॉइंट नहीं है. नेक्स्ट, जब हम यूज करते हैं ये वर्ड्स एन आइसो सेक टर्ट, तो इनका अप्रोप्रिएट यूज कैसे है वो हमने इस लेक्चर में सीखना है, और वहां पे याद आप ये रखेंगे कि जब आप ये सीख लेंगे कि इनको कहाँ यूज करना है, एन सेक और टर्ट के पीछे हमेशा हम नाम से पहले एक डैश लगाएंगे, जबकि आइसो और नियो कंपाउंड्स के लिए हम उसको एज वन वर्ड लिखेंगे. जैसे ये आइसोब्यूटाइल लिखा है, नियो पेंटाइल, तो वो आप क्या करोगे, उसको वन वर्ड लिखोगे, यहाँ पे आप डैश डालोगे, राइट. तो ये जो टर्म्स हैं एन आइसो नियो,
इनको सीखने के लिए जो बेस्ट वे रहेगा वो ये है कि हम वापस अपने एल्केन्स के कॉमन नेम्स पे चलें। अगर ये आपको आते हैं तो उसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और हमने अल्काइल ग्रुप बना लेना है। अल्काइल ग्रुप का नाम आता है तो अल्काइल हैलाइड लिखना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बट ऐसे ही आपको अल्काइल के साथ अगर हैलोजन की जगह पे कोई और भी फंक्शनल ग्रुप आ जा सकता है, एल्कोहल आ सकता है, तो वहां पे भी आपकी ये नेमिंग हेल्पफुल रहेगी। सो आई विल स्टार्ट विद द कॉमन नेम्स ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स हमारे पास दो तरह के, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में कौन से होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस चेन होती है कार्बन एटम्स की, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एल्केन्स या एन एल्केन। तो यहां से हमारा एन आया, राइट? तो पिछले एग्जाम्पल में एन प्रोपाइल आयोडाइड, इसका मतलब है कि जो आयोडीन का एटम लगा हुआ था वो एक स्ट्रेट चेन एल्केन में हाइड्रोजन रिमूव किया हमने और वहां पे लगा दिया, राइट? तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन एल्केन। नेक्स्ट हमारे पास आए ब्रांच चेन एल्केन्स, जहां पे एक या एक से ज्यादा कार्बन वाली ब्रांचेस मेन चेन के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे हम दो नाम सीखेंगे, एक आइसो एल्केन, एक नियो एल्केन, ठीक है? तो आइसो एल्केन कौन सी होती है, जहां पे सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द नॉर्मल एल्केन पे हम क्या लगाएंगे, एक मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ये जैसे हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे सेकंड पे लगा दो या दूसरी साइड से सेकंड पे लगा दो, किसी भी साइड से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाया तो वो बन गया आइसो एल्केन। और ये बॉक्स में इसका आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट, जहां पे भी हमने एक अल्केन में या आगे अल्काइल ग्रुप में आइसो वर्ड यूज करना है कॉमन नेम में, वहां पे हमें ये ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है? अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये फोर चेन कार्बन है तो ये बन जाएगा ब्यूटेन और ये बनेगा 2-methyl butane। मगर जब हम इसका नेम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे कार्बन्स को गिन लेंगे कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बनेगा पेंटेन। इसके आगे हम लगाएंगे आइसो तो ये बन जाएगा आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन कॉमन नेम और 2-methyl butane इसका IUPAC नेम, राइट? अब एक और चीज, अगर हम ये वाला कार्बन यहां से हटा दें तो हमारे पास ये तीन कार्बन वाली चेन रह जाएगी और ये बनेगा क्या, आइसोब्यूटेन। अगर इससे भी हम एक और कार्बन हटा देंगे तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, तीन कार्बन। तो ये तीन कार्बन अगर हम इनकी नेमिंग करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड बन जाएगा, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये आइसो ग्रुप चाहिए तो सबसे छोटा कार्बन, छोटा एल्केन कौन सा होगा, ये फोर एटम वाला एल्केन। तो स्मॉलेस्ट एल्केन कंटेनिंग द आइसो अल्काइल ग्रुप, दिस विल बी अ फोर कार्बन एल्केन, दैट इज अ आइसो ब्यूटेन, राइट? नेक्स्ट अब हमारे पास है नियो एल्केन्स। तो अगर आइसो समझ में आ गया तो नियो जल्दी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन पे 2-methyl ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये चार कार्बन वाली चेन है, इसके सेकेंड कार्बन पे हमने क्या लगा दिए, 2-methyl ग्रुप्स। तो ये लगाए तो ये हमारे क्या बन गया, नियो हेक्सेन, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, राइट? सो इसका फंक्शनल यूनिट क्या बन जाएगा, ये वाला। जहां पे भी आपको ये सेकेंड कार्बन पे 2-methyl ग्रुप्स दिख के, वो हमारा क्या बन गया, नियो हेक्सेन। ओके, नियो ग्रुप बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 कार्बन वाला है तो ये बन जाएगा नियो पेंटेन और ये हमारा नियो अल्काइल ग्रुप। इसको आपने पहचानना है जब भी आपने नेमिंग करनी है। तो स्मॉलेस्ट एल्केन कंटेनिंग द नियो अल्काइल ग्रुप, दिस विल बी अ 5-carbon एल्केन, दैट इज अ नियो पेंटेन। नेक्स्ट, अब अगर हमने अल्केन्स के नाम कॉमन सीख लिए तो अब हम अल्काइल ग्रुप्स को इनसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम एक अल्केन लेंगे, अल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, अल्काइल ग्रुप। तो अब अल्केन के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास होंगे अल्काइल ग्रुप्स और उनकी नेमिंग भी उनके नाम पे ही होगी। तो जैसे कि हमारे पास मिथेन है तो अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, मिथाइल। इथेन, इथाइल। प्रोपेन, प्रोपाइल। ब्यूटेन, ब्यूटाइल। पेंटेन, पेंटाइल। इजी।
ऑल राइट, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि जब हम नियो और आइसो एल्केन्स को नियो और आइसो अल्काइल रेडिकल बनाते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। जो ये हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव करना है, ये हमेशा याद रखना कि उसको ऐसे रिमूव करना है कि नियो और आइसो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंटैक्ट रहे, जो मैंने आपको बॉक्स में दिखाए थे वो स्ट्रक्चर रहना चाहिए, उसमें हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, राइट। और नेक्स्ट, जब भी एक नियो आइसो और एन अल्काइल ग्रुप हमने बनाना है तो हमने हाइड्रोजन कहां से रिमूव करना है, एक प्राइमरी कार्बन से, ठीक है। तो सब एन आइसो नियो ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी, जबकि एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो है आइसो प्रोपाइल ग्रुप की, जो कि होगा एक सेकेंडरी। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को कहाँ से रिमूव किया है, एक सेकेंडरी कार्बन से, और सेकेंडरी कार्बन से रिमूव किया है, हमारे पास इसके अंदर तीन कार्बन एटम्स है और हमें आइसो स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, तो ये आइसो प्रोपाइल रेडिकल। बाकी सब जितने भी आइसो अल्काइल रेडिकल्स होंगे वहां पे सब में हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव्ड रहेगा, प्राइमरी कार्बन से। सिमिलरली एन बनाने के लिए अल्काइल रेडिकल या नियो अल्काइल रेडिकल बनाने के लिए भी आप हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करोगे, प्राइमरी कार्बन से। तो अब देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कौन कौन से बन गए। सबसे पहले हमारे पास N अल्काइल ग्रुप है, तो हमारे पास एक N एल्केन है, N प्रोपेन है यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास, तो ये एक तीन कार्बन वाला एल्केन है, इसमें दो प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो इन दोनों प्राइमरी कार्बन में से आप कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करो और जो हमारे पास रेडिकल आएगा वो क्या आएगा, N प्रोपाइल रेडिकल, राइट। सेकेंडरी से रिमूव नहीं करना है, सिर्फ प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव करना है। नेक्स्ट आएंगे अब आइसो अल्काइल ग्रुप्स, तो आइसो अल्काइल ग्रुप्स हमेशा याद रखना, रिमूव हाइड्रोजन कौन सा करना है, प्राइमरी, एक्सेप्ट आइसो प्रोपाइल में जहां पे हम एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आइसोब्यूटेन है, इसमें हमारे पास तीन कार्बन है जो कि प्राइमरी, ये वाला और ये वाला भी, ये तीनों प्राइमरी हैं। इन तीनों में से हम कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, सब सेम है, नेमिंग सेम रहने वाली है हमारा, अगर कोई भी रिमूव करेंगे वो स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, जिधर मर्जी से हम देख लेंगे। तो एक प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव किया और हमारे पास बन गया आइसोब्यूटाइल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में अगर आप देखोगे तो ये वाले जो दो कार्बन है ये दोनों सेम है, इनमें से कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं तो दोनों की नेमिंग सेम रहने वाली है, एक्सेप्ट कि ये वाला जो कार्बन है ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब अगर हम इनमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इनमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इसमें अब आप ये बॉक्स देखो कि हमारा आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट हमने क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये मेंटेन नहीं रखा। हम क्या चाहते हैं कि ये CH3CH और CH3 मेंटेन रहना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन को कहां से रिमूव करना चाहिए, हमेशा एंड ऑपोजिट टू द आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट, आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट को ऐसे रहने दो, उसके ऑपोजिट साइड पे जाओ और जो तुम आपका कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल यूनिट सेम रहेगा, ठीक है। सो प्लीज डू रिमेम्बर, जब भी हमने एक आइसो स्ट्रक्चरल अल्काइल ग्रुप बनाना है एल्केन से, तो कौन सा आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, From the end opposite to the isostructural unit. So next अब हमारे पास आ गया प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन से अगर आप ये देखोगे तो तीन कार्बन है, दो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। अगर हम प्राइमरी से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन तो हमारे पास क्या बनेगा, एन प्रोपाइल रेडिकल। अगर हम अब सेकेंडरी से रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जब आया तो आप अब इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक आइसो स्ट्रक्चर है, इसलिए ये बना एक आइसो प्रोपाइल ग्रुप, राइट। आई होप अब आपको ये समझ में आया। तो हम हमेशा जब भी एक आइसो प्रोपाइल ग्रुप बनाते हैं तो एक सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, बाकी सब आइसो ग्रुप बनाने के लिए हम प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे।
नेक्स्ट अब आगे नियो अल्काइल ग्रुप्स। तो नियो अल्काइल ग्रुप में भी हमें अपना ये आइसो नियो स्ट्रक्चर जो है उसको सेम रखना है, उसको इंटैक्ट रखना है। तो तीन ये जो कार्बन है जो प्राइमरी है, यहां से हम हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे क्योंकि इससे हमारा नियो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हम कहां जाएंगे, उसकी ऑपोजिट साइड पे। ऑपोजिट साइड वाला जो प्राइमरी कार्बन होगा हम वहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और हमारे पास एक नियो स्ट्रक्चरल यूनिट इंटैक्ट रहेगा। तो नियो हेक्सेन से एक हाइड्रोजन निकाला, हमारे पास क्या बन गया, नियो हेक्साइल, राइट। ऐसे अब हमारे पास अगला टाइप क्या है, सेक अल्काइल ग्रुप। तो सेक कहां से आया, सेकेंडरी। तो अब हम हाइड्रोजन को कहां से रिमूव करेंगे, एक सेकेंडरी कार्बन से। प्राइमरी रिमूव किया था एन ब्यूटेन से तो एन ब्यूटाइल बना, सेकेंडरी रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। इजी आई थिंक। नेक्स्ट अब फाइनली हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ ग्रुप क्या है, टर्ट अल्काइल ग्रुप। तो यहां पे हमने हाइड्रोजन को कहां से रिमूव करना है, टर्शियरी कार्बन से। तो यह हमारे पास एक आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में ये प्राइमरी वाले हैं तो प्राइमरी रिमूव नहीं करने हैं, टर्शियरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर दो और बना दो टर्ट ब्यूटाइल रेडिकल। आई होप ये अब आप सबको क्लियर हुआ है कि ये कैसे फॉर्म होते हैं अल्काइल रेडिकल्स। तो कहां से हमने ये सेक टर्ट नेम्स यहां से यूज किएंगे। एक एक एग्जाम्पल के साथ अब हम इन सारों को डिस्कस करते हैं। ये है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में अब हमारे पास ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अगर अब इसमें से हमें एक आइसोपेंटाइल ग्रुप बनाना है, आइसो ग्रुप को इंटैक्ट रखना है, इधर के प्राइमरी से हाइड्रोजन को रिमूव किया, हमारे पास बन गया आइसोपेंटाइल ग्रुप। अगर अब इस सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास क्या बन गया, सेक पेंटाइल ग्रुप। अब एक टर्शियरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास क्या बन गया, टर्ट पेंटाइल ग्रुप, राइट। सो नाउ आई थिंक ऑल दीज टर्म्स शुड बी क्लियर टू। सो अब अगर ये आपको क्लियर है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये क्वेश्चन में कॉमन नेम्स और साथ में आप आईयूपीएसी नेम भी इनको लिखिए। आप इस आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा सो दैट कि मुझे भी मालूम लगे कि आपने ये लेक्चर में कितना सीखा। फाइन, हम इनको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, बट स्टिल आई वुड वॉन्ट कि आप जैसे इसको स्टडी कर रहे हो साथ साथ में अपने जो भी क्वेश्चन बीच में मैं देती हूँ आप उनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर कीजिए, राइट। सो नेक्स्ट टाइम हम इनको डिस्कस करेंगे बट आई होप कि आप सबके आंसर्स बिल्कुल सही होंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम आगे नोमेनक्लेचर को और डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे डाई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स और साथ में एक हमारे अभी एराइल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर भी स्टडी करना पड़ा है, तो सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल H2O को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना भी नहीं भूलिएगा, तभी आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम आपके लिए एक नया लेक्चर या पोस्ट करेंगे, राइट। अगर कुछ भी डिफिकल्टी है प्लीज फील फ्री, आप हमें मेल कर सकते हैं h2ochemistry@gmail.com पे। साथ ही में आप अपनी डिफिकल्टी को, अपनी किसी भी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में भी लिख के पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपको वापस रिप्लाई करें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।